नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ ज्योग्राफी का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सारांश, जिसमें आपको बात करेंगे केवल ही केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट को। इसमें हम इस तरीके से बात करेंगे कि जो भी फैक्ट होंगे इस भूगोल के अंतर्गत, इस ज्योग्राफी के अंतर्गत, जो क्लास क्लास आपको देखने को मिलेगा क्लास 6 से जो निकल के आएगा, इसमें जो बेहद ही फैक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरे चैप्टर तक का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल इन सभी जानकारी को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ इसी प्रकार के वीडियो का सीरीज देखने के लिए। मैं लगातार आप सभी के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी के जो सारांश है, मतलब लाइन बाय लाइन बुक के थ्रू आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो किसी प्रकार से आपसे छूटने वाले नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और इसी सभी चीज को जानकारी एकत्रित करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। और बढ़ते हैं आगे, जानकारी देखते हैं जो चौथा चैप्टर है आपके सामने। जो चौथा चैप्टर है मानचित्र यानी मैप, इसके बारे में जानते हैं कि मैप में क्या क्या होता है और किन किन बातों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये चौथा चैप्टर होगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला आपका जो फैक्ट हमने हाईलाइट किया है यहाँ से इस चैप्टर के माध्यम से, तो देख सकते हैं जो सबसे पहला फैक्ट है यहाँ पर कहता है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। कोई पूछे कि मानचित्र क्या होता है या फिर मैप क्या होता है, उसका जवाब आप दे सकते हैं कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतहों पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे जब आप मानचित्र चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा जानने की बेहद ही अहम भूमिका हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे हमने क्या हाईलाइट किया है। तो देखेंगे यहां से भौतिक मानचित्र। अब मानचित्र भी कई प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ इंपोर्टेंट जो मानचित्र है तो उसको हम जान लेते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र में हम लोग क्या देखते हैं, इंग्लिश में इसे फिजिकल मैप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, यानी पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे कि आप जाने पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर इत्यादि को जो दर्शाने वाले मानचित्र होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, तो भौतिक मानचित्र या फिर उचावच मानचित्र भी हम कह सकते हैं। उचावच मानचित्र या फिर भौतिक मानचित्र दोनों बराबर होते हैं और इनमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों अथवा नदियों, महासागरों इत्यादि की जो है फिजिकल रूप से हम जब मानचित्र में दर्शाते हैं या फिर उसे सम्मिलित करते हैं उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है इसके बारे में हम जाने तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होंगे वह राजनीतिक मानचित्र कहलाएंगे, जिसे पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान रखेंगे वैसे मानचित्र जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों अथवा गांवों और जो है कि विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की जो सीमा है, यानी सीमा को जो दर्शाने वाले जो मानचित्र होंगे वह मानचित्र क्या कहलाएंगे, तो राजनीतिक मानचित्र कहलाएंगे। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है इसको आप जानेंगे यहाँ से। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, ऐसे प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उसे हम थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे थीमेटिक मानचित्र में हम देखेंगे कि सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण कि कौन से उद्योग कहाँ पर कितनी मात्रा में है, कौन से वन कहाँ पर कितनी मात्रा में है, इसकी जो दर्शाने वाली जो मानचित्र होंगी वह थीमेटिक मानचित्र कहे जाएंगे। ध्यान रखेंगे मानचित्र के तीन घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं। पहला है दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। दूरी के बारे में आप जाने तो दूरी के बारे में आप जानते होंगे किस तरीके से दूरी मापा जाता है, जैसे कि आप जाने तो पैमाना, स्थल पर
वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, यानी कि पैमाना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पैमाना क्या होता है, तो आप अगर जमीन आपके पास होंगे तो आप जानते होंगे कि पैमाना किस तरीके से काम आता है। तो जब आप जमीन नापाते होंगे अमीन साहब से, तो अमीन साहब के पास थोड़ा सा इतने बड़ा सा पटरी जैसे होगा, यानी इतने बड़ा सा स्केल होगा, और उस स्केल से आप देखते होंगे कि इतने बड़े जो मैप होंगे उसके, जो उस जमीन का जो मैप होगा, उस जमीन का जो मैप होगा, उस मैप पर जो है कि उस पैमाने से वो नापते रहते हैं। लेकिन उस पैमाने का जो नाप क्या होता है, उसका मात्र 10 सेंटीमीटर रहता है, और 10 सेंटीमीटर उसमें एक जरीब के माध्यम से होता है, यानी एक जो उस बार नाप लिया तो उसमें जो है कि एक जरीब हो जाता है। जरीब भी आप जानते होंगे, तो वही पैमाना होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, यह इंपॉर्टेंट है। और दूरी तो आप जानते ही होंगे, किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ये जानते ही होंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी हम यहाँ से देखेंगे, तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए जो काउंट करके हम लाए हैं, एकत्रित करके लाए हैं, यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है। आप मैप जब आप देखते होंगे, इस पर आप इस तरीके से तीर का निशान देखते होंगे और ऊ लिखा होगा, तो ये जो दर्शाता क्या है, यह उत्तर की दिशा को दर्शाता है। इस भी मानचित्र में जो मानचित्र का जो होता है ऊपर वाला जो भाग होता है इस तरीके से, ये जो होता है नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यह उत्तर का दिशा को दर्शाता है। इसी उत्तर की दिशा को दर्शाते हुए हम किसी भी मैप को डिजाइन करते हैं। इसमें आपको गांव का मानचित्र है, उसमें आपको उत्तर की दिशा को दर्शाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिशा, दिशा के बारे में हम जानते हैं यहाँ से कि क्या होता है, कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जैसे हमें अभी हमने बताया, और जिसके ऊपर ऊ डॉट लिखा होता है, और यह जो है कि तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। उत्तर रेखा भी हम इसी को कहते हैं, इसी जो तीर का निशान जो दर्शाया रहता है उसी को। और जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। यह चार मुख्य दिशाएं हैं जिसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। ध्यान रखेंगे चार प्रमुख दिशाएं कौन सा है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद वे प्रधान दिग्बिंदु भी कहे जाते हैं। ये जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो होते हैं, ये दिशा क्या कहलाते हैं, तो प्रधान दिग्बिंदु भी कहे जाते हैं। पूछे जा सकते हैं कि प्रधान दिग्बिंदु क्या होते हैं, तो यही होते हैं प्रधान दिग्बिंदु। ध्यान रखेंगे ये जो होते हैं यह प्रधान दिग्बिंदु होते हैं, ठीक है। किसी भी मैप को देखने के लिए इस तरीके से जब मैप रखा गया, तो इसी को हम प्रधान बिंदु मानेंगे, और इसी के जो अनुरूप इस तरीके से लाइन खींच देंगे, और ये इसको नॉर्थ मान लेंगे, इसको साउथ मान लेंगे, इसको ईस्ट मान लेंगे, इसको वेस्ट मान लेंगे। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसे प्रधान बिंदु की भी नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं दिक सूचक क्या होता है, यानी दिक सूचक मतलब दिशा का सूचना देने वाला, दिशा को दर्शाने वाला, यह दिक सूचक है। और दिक सूचक में जो है कि चुंबक का जो सुई अपनाया जाता है, जो कि हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को डिनोटेड करता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी एकत्रित करेंगे। देखेंगे यहाँ पर कि हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है, यह क्या है, तो एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा जो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो प्रतीक, प्रतीक यानी कि संकेत, यानी कि सिंबल, ध्यान रखेंगे। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तीसरा प्रमुख घटक कौन सा है किसी भी मानचित्र का, तो प्रतीक होता है। और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियां या फिर कुएं को दिखाना संभव होता है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रतीक को लेकर के हम किसी भी पुल को, सड़क को, वृक्ष को, पटरी को, रेल को, यानी इस तरीके के जो वस्तुएं होती है, थिंग्स होती है, इसको हम दिखा सकते हैं इसी प्रतीक के माध्यम से। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंग, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, ध्यान रखेंगे। ये जो संकेत होता है कम जगह में ज्यादा जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यहां से देखें तो अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी ऐसे दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, तो उस मैप को आप पढ़ सकते हैं, मैप के या फिर मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र के लिए विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी है, ये क्या कहलाते हैं, तो रूढ़
रूढ़ क्या कहलाते हैं? तो रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे ये क्या कहलाते हैं, तो रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे कुछ रूढ़ प्रतीक है यहाँ से हम जान लेते हैं। देख सकते हैं रेलवे लाइन को किस तरीके से निरूपित किया जा सकता है, बड़ी लाइन को अलग तरीके से है, ये कटिस वाला बड़ी लाइन है और ये देख सकते हैं ये है रेलवे लाइन, तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। और सड़क जो है कि 25 पक्की सड़क और कच्ची सड़क को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराष्ट्रीय या फिर राज्य जिला का जो सीमा होता है उस किस प्रकार से देख सकते हैं ये सीमा है, उसके बाद ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ये जो देख सकते हैं जिला राज्य को निरूपित किया जा सकता है। नदी कुआं को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है देख सकते हैं, इसको एक बार आप गौर से देख लेंगे पढ़ लेंगे है ना, इसको हम 2 सेकंड दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहां से आप पढ़ लिए होंगे किस प्रकार से इसे निरूपित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो रूढ़ चिन्ह के बारे में बताया जा रहा था, ये रूढ़ चिन्ह हो गया आपका जो ये रूढ़ चिन्ह आपने देखा यहां से। उसके बाद देख सकते हैं नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से तीर का निशान इसको देखने को मिल जाएगा जो उत्तर दिशा को निरूपित कर रहा है, किसी एक गांव का यहाँ पर मैप दिखाया गया है बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं अगला जो फैक्ट है यहाँ से कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी किसी उद्देश्य से किया जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए आप जाने नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरा रंग जो है कि पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए एवं हरा रंग मैदानों के लिए दर्शाता है। ध्यान रखेंगे यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, नीला रंग किसे दर्शाता है, तो जलाशय को दर्शाता है, भूरा रंग पर्वत को, पीला रंग पठार को और हरा रंग मैदान को दर्शाता है। उसके बाद देखिए रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र के बारे में जाने यहाँ से जान लीजिए कि मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपके मित्र जो है कि आपने घर के रास्ते बताने के लिए कच्चा आरेखगन खींचता है, कच्चा सा एक मैप खींच देता है, इस प्रकार से कच्चे आरेख से बना पैमाना की सहायता से खींचा जा सकता है और इसे रेखा चित्र कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, ये नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद देखिये तो खाका किसे कहते हैं, खाका के बारे में जाने तो एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है, तो खाका कहा जाता है, ध्यान रखेंगे खाका किसे कहते हैं, तो एक बड़े क्षेत्र, एक छोटे क्षेत्र का जो है कि बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाएगा। उसके बाद देखें तो कुछ प्रश्न है इसको भी जान लेते हैं, तो देखें तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से दीजिएगा कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, और नीले रंग का इस्तेमाल किसको दिखाने के लिए करते हैं, तो जलाशय को दिखाने के लिए करते हैं, दिक सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए हमें दिक सूचक का उपयोग करते हैं, और पैमाना, पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है, तो मानचित्र के लिए आवश्यक होता है, इसको आप जान पाए होंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल इस वीडियो में आपने जाना चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो चैप्टर नंबर 4 के जितने भी सारे फैक्ट थे उसके बारे में जाना जो कि क्लास 6 से रिलेटेड था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।